हेलो सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो आप सभी का स्वागत है। आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो 11/11 पोर्टल के रिगार्डिंग है। तो जो 11th of November हर साल हमारे सामने पोर्टल आता है, आप लगा लीजिए साल का हर मंथ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पोर्टल्स ओपन होते हैं। ओके, जैसे अक्टूबर में 10th पोर्टल हमें मिला, राइट? तो उसी तरीके से 11th of November को 11/11 पोर्टल है, जो कि एक एंजल नंबर भी है और बहुत ही कॉमनली लोगों को दिखता है 11/11 एंजल नंबर। तो बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुँच है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है, बहुत सारे लोग इसको आसानी से देख पाते हैं, इसकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए 11/11 पोर्टल पे क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या एक्टिवेशन हो रहा है, क्या अपग्रेडेशन हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ रीडिंग की एक रूपरेखा है जो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे कि एनर्जी क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या एक्टिवेट हो रहा है इस पोर्टल पे, और भी कोई एडेड ब्लेसिंग्स हैं अगर कि इन्फॉर्मेशन है डिवाइन की तरफ से, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, तो वो भी चैनल करने की या फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साउंड क्लेंजिंग भेजना चाहती हूँ, उसको कम्प्लीटली क्लेंज करें। ओके, तो गाइज शुरू करेंगे आज की रीडिंग। 11/11 पोर्टल पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज आ रही हैं, किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर ऑल माय कलेक्टिव्स। 11/11 पोर्टल पे 2024 क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज गाइड मी, हेल्प मी टू गाइड माई कलेक्टिव। थैंक यू। एक मैसेज आ रहा है रिफ्लेक्शन का, आई थिंक ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का मैसेज है। आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें रिवील होंगी, रिवील इन द सेंस कि आपके नोटिस में आएंगी और आप ये देख पाओगे कि आपके कुछ पैटर्न्स हैं। ये शैडो वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर आपके कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स खुद के हैं यहाँ पर। ओके, तो कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन है, हो सकता है आपको अपने अंदर समझ आ जाए कहाँ कमी है, इस तरीके की एनर्जी है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अभी देखते हैं टैरो की हेल्प से कि मेरे कलेक्टर्स के लिए 11/11 पोर्टल। एस ऑफ कप्स, 11/11 पोर्टल एंड अगेन इट इज एस, द हायरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड एक साथ आए हैं ये। ओके, लवर्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ कप से बहुत सारी न्यू बिगनिंग है, और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको, ये आपकी हीलिंग में हेल्प करने वाला है। जो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का शैडो वर्क का मैंने मैसेज दिया, आपकी हीलिंग में हेल्प करने वाला है। और अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आपको इमोशंस फील नहीं होते थे, या फिर आप इमोशंस फील नहीं करना चाहते थे, आपको लगता था इमोशंस वीकनेस है, इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इट इज़ अ टाइम वेस्ट टू एड्रेस इमोशंस, अगर इस तरीके का नैरेटिव रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में इसलिए हो क्योंकि आपको इमोशंस समझने में, बैलेंस करने में खुद के बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी, हो सकता है अपनी फैमिली में, स्पेशली अपने पार्टनर की तरफ भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हो, क्योंकि आपको खुद के इमोशंस को ही मैनेज करना नहीं आता है। तो जब आपका पार्टनर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं, इसलिए आप उनके इमोशंस से भी बचते हो, क्योंकि आपको नहीं समझ आता हो कैसे डील करना है उस वक्त। और यहाँ पर ये एक ब्लेसिंग है कि ये पोर्टल ओपन है आपके लिए। यहाँ पर एक एनर्जी ये है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाओगे कि आप इमोशनली उतने अभी मैच्योर नहीं हो, या फिर आपको इमोशंस को मैनेज नहीं करना आता है। आप डरते हो थोड़ा सा इमोशंस से, बट एस ऑफ कप से ये मैसेज है कि आपकी हीलिंग है, आपको आपको प्यार उमड़ रहा है, जैसे अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। आप देख रहे हो उसमें से पानी, ये जो अमृत है, अमृत की धारा बाहर आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ हीलिंग अगर करोगे
सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, देखो एनर्जी है लेकिन इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ एनर्जी के होने से नहीं होता, ऐसे तो काम नहीं होता, ये चीज़ नहीं है। सिर्फ टैरो रीडिंग देख के कि हाँ एनर्जी बहुत अच्छी आई है या एनर्जी ख़राब आई है, कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उस एनर्जी के लिए काम नहीं करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए एक्टिवेट तभी होगी जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को पहचानोगे। आप देखोगे आपका ना मन ऐसे गदगद हो जाएगा जब आपको समझ आएगा कि यार मैं दूसरे को ब्लेम कर रहा था और कमी मेरे अंदर भी थी, ठीक है। कबीर जी का दोहा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन झाका अपना तो मुँह से बुरा ना कोई। तो वो रियलाइजेशन है कुछ लोगों के लिए कि आसपास के लोग बहुत आपके लिए एफर्ट करते हैं, आपकी फैमिली में, आपके पार्टनर, इवन आपके वर्क प्लेस में भी लोग बहुत एफर्ट करते हैं आपके लिए, बट क्योंकि आपका इमोशंस में कच्चे हो तो आप ना हर चीज़ को एक अटैक की तरह देखते हो, ओके। बट अभी उसमें सुधार का चांस है इस एस ऑफ कप से, इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से। अगेन हायरोफेंट की एनर्जी आई है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक ओहदा है इन द सेंस कि हाई स्टेटस, हाई पोजिशंस, एंड इट कुड बी प्रमोशंस, इट कुड बी फैमिली में आपको बहुत मान सम्मान मिलना, आपकी बातें मानना, आपकी बातें सुनना, पीपल आर लिसनिंग टू यू, यू हैव समथिंग टू से एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू, ठीक है। आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सच में कुछ ऐसी चीज़ है, आपके पास कोई कला है, आपके पास कोई स्किल है, आपने कोई नई स्किल डेवलप की है, मीन्स आपकी नॉलेज किसी तरीके से बढ़ रही है और जिसकी वजह से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है चाहे वो पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में भी आप जैसे जस्टिस की बात कर रहे हो, आप जो सही है उसको सही कह रहे हो, जो गलत है उसको गलत कह रहे हो, तो पीपल आर लिसनिंग टू यू, यू आर सेइंग जैसे कि वेरी ट्रूथफुल थिंग्स, जो सच है, आप सच का साथ दे रहे हो। कुछ सॉल्यूशंस जैसे आप एडवाइस कर रहे हो लोगों को और उनको आपकी एडवाइस से हेल्प मिल रही है, इसलिए भी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। तो रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर, ओके। एंड टू ऑफ वॉन्स का भी कार्ड आया है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज, एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहा है कोई, और मुझे ये करियर के लिए भी हो सकता है, न्यू सपोर्ट सिस्टम, न्यू इनकम जनरेट करना। एक बहुत स्टेबल सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, चाहे वो करियर को लेके कह लो, फाइनेंसेस को लेके कह लो, लेकिन आप और चाहते हो तो उस और के लिए ना कुछ रिसर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ट्रैवल की भी एनर्जी है डेफिनेटली, घूमने फिरने की एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। आई थिंक एक प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, आपको लग रहा है कि अब मुझे दूसरा स्टेप लेना चाहिए, कुछ एक चीज सॉल्व हो गई है, एक चीज सॉर्टेड है, फिर आप ना नेक्स्ट चीज पे मूव कर रहे हो। मतलब जैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दोनों में गड़बड़ चल रही थी, अभी शायद प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो जाएगी, आपको लगेगा यहाँ स्टेबिलिटी है, चलो मेरे को पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, या फिर पर्सनल लाइफ सॉर्टेड है तो आप कहोगे अब मुझे थोड़ा सा अपने करियर पे, प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान देना चाहिए। ये मैसेज है, एंड अगेन 1-1, ठीक है। ये मैसेज बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है 11-11 पोर्टल के, ठीक है। तो जिन लोग को मैसेज मिलेगा आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पर है, और बहुत सारी ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी आने वाले समय में, ठीक है। एक महीने का होता है इस रीडिंग का जनरली टाइम फ्रेम, बट जैसे हम सोचते हैं ना ऐसी चीज़ें नहीं होती, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद की भी एनर्जी हो, आपको हो सकता है न्यू ईयर के टाइम पर कुछ चीज़ें और रिवील हों। एंड अगेन द लवर्स और नाइट ऑफ सोर्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो स्टकनेस थी, अगर रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ में, कपल्स में, रिलेशनशिप में अगर कुछ भी इश्यूज थे, तो वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है, और आपकी जो मैरिज है, आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज है चाहे अभी मैरिज नहीं हुई है, बट एज अ कपल आपकी रिलेशनशिप बहुत ब्लेस्ड है,
एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल भी रहा हो, क्योंकि यहाँ पर स्नेक की एनर्जी भी है, ठीक है, इल्यूजन की एनर्जी है यहाँ पर. तो अगर इल्यूजन भी है क्योंकि और यहाँ पर क्लाउडी एनर्जी भी है और यहाँ पर मिसअलाइनमेंट, डिसअलाइनमेंट, अलाइनमेंट नहीं है कपल की एनर्जी में, ये एनर्जी भी है. बट ये जो भी है सिचुएशन, एंजल्स आर लुकिंग ओवर यू, यू कैन सी क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, स्टकनेस में थोड़ी मूवमेंट है यहाँ पर. और मुझे ये लग रहा है कि एक और मुझे मैसेज मिल रहा है जो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, कि ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बाहर वाले लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी एंजेलिक गाइडेंस, एंजेलिक प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग, इतनी तगड़ी है कि वो लोग नहीं कुछ बिगाड़ सकते. जैसे बहुत कोशिश की जा रही है हस्बैंड वाइफ कपल्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, बट वो चाहे थोड़े टाइम के लिए हो भी जाए, है ना, हो भी सकता है कि ये जो एनर्जी है क्योंकि बहुत फोर्सफुली आ रही है, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये एनर्जी आपको इम्पैक्ट भी करे, लेकिन मैं कहूँगी कि वो चीज़ सेटल होगी, वो चीज़ आपको ना प्रत्यक्ष हो जाएगी, इट विल रिवील इटसेल्फ कि ये आप लोगों की एनर्जी नहीं है. एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, और सून जिसे कहते हैं बादल छटेंगे. तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी सावधानी बरतें, बाहर वाले बंदे, बाहर वाले लोग क्या कह रहे हैं, अपने पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेशन रखें. आप लोगों में बिल्कुल भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझो. और क्योंकि एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया ना यहाँ पर, तो रिलेशनशिप हीलिंग भी है. ओके, अभी देखेंगे कि क्या एक्टिवेट हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो रही हैं इस 11-11 पोर्टल के साथ मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो रही हैं लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो रही हैं. थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टुडे, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल. क्या ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो रही हैं. लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड्स भी अपॉर्चुनिटी की बात करता है. तो यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस एंड लॉर्ड गणेशा जो है आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं. स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है. तो आपको महसूस होगा कि किसी तरीके की एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, ठीक है, ये बात पक्की है. एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्स जब मैंने आपको मैसेज दिया, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज ज़रूर रेजोनेट होगा, ठीक है. किसी तरीके की एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको लगेगा, या फिर आपके पूर्वज आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एंसेस्टर्स जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, आप किसी तरीके से आपके एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट करें, आपको एक क्लियर पता चल जाएगा. होप, लव एंड एक्सेप्टेंस. लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स. लव का मैसेज मैंने पहले कार्ड से ही आपको दिया, और लवर कार्ड से भी मैंने कहा कि यहाँ पर डेफिनेटली लव के लिए ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. तो ये भी एक्टिवेट हो रहा है इस 11-11 पोर्टल के साथ. सन्यूनॉस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड. आई थिंक बहुत ज़्यादा पैशनेट भी महसूस करोगे आप अपने पार्टनर्स की तरफ. अगर थोड़ा जो जैसे वो एक सेंशुअल एनर्जी मिसिंग थी ना आपकी लव लाइफ में एज अ कपल, तो वो सेंशुअल एनर्जी वापस आती दिख रही है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन वापस आता दिख रहा है, इंटीमेसी वापस आती दिख रही है, अगर अब इस एरिया में कोई इशू था तो, ठीक है. लाइफ फोर्स, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए ये ब्लेसिंग आए कि आपकी फैमिली बढ़ रही है, ठीक है, कंसेप्शन का भी मैसेज है. ओके, और क्या ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो रही हैं 11-11 पोर्टल के साथ. थ्री मोर कार्ड्स, ओके, मैं तीन और कार्ड्स लूँगी. सर्पियस वे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. इससे ये शैडो वर्क का मैसेज है. जो लोग अपने ऊपर काम करेंगे, जो लोग अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स पहचानेंगे रादर देन के बाहर वाले को पॉइंट करेंगे, तो उनके लिए असेंशन का भी मैसेज आ रहा है, जो मैंने क्लियरली आपको एस ऑफ कप से दिया था कि ये वाली बात है कि बुरा जो देखा मैं चला, राइट. तो आपको ना अपनी डार्कनेस समझ में आ रही है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको हीलिंग दे रहे हो, ना कि आप उस पोर्शन को शट कर रहे हो. देखो, हीलिंग तभी होती है, आप कुछ भी पढ़ लो, आजकल के टाइम में तो साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा नेट पे अवेलेबल है सब कुछ, कि आप पनिशमेंट से ब्लॉक करके बच्चों को, बड़ों को, किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देके आप कभी कभी भी हीलिंग नहीं कर सकते हो. आप पनिशमेंट से तो हीलिंग कर ही नहीं सकते हो, वो एक बिहेवियर को
एक तरीका बताने का, बच्चे का बिहेवियर एक तरीके से करने का एक तरीका है पनिशमेंट, बट ये ना उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे हीलिंग नहीं होती कभी भी। जो हमारी डार्क साइड है, हमारी खुद की डार्क साइड है, हम जब तक उसके लिए शर्म गिल्ट महसूस करते रहेंगे या ये कहेंगे यार मैं तो, ये मेरी बहुत ख़राब आदत है, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, गंदी औरत हूँ मैं, ऐसा अगर नैरेटिव है ना तो आप कभी हील नहीं कर पाओगे। वो पार्ट और बलशाली होता रहेगा जब तक आप उसको बैठ के उसको प्यार से समझोगे नहीं ना, अपनी शैडो को। आप जेलस हो किसी से, क्यों हो जेलस? क्योंकि वो जेलस सेल्फ आपके लिए वो चीज़ चाहती है जो सामने वाले को मिल गई। वो कुछ गलत चाह रही है क्या? तो उसको इतनी हेट क्यों दी जा रही है? उस जेलस पार्ट को बोलो, ठीक है यार मैं समझ रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ जो तुम चाहते हो मेरे लिए, बट इट इज़ अभी हमारे हमारी किस्मत में अभी नहीं है, बट वील वर्क टूवर्ड्स इट। अगर आपको एंगर इश्यूज है, आपको एंगर आता है बहुत ज़्यादा, तो वो किस वजह से आता है? बिकॉज मे बी यू केयर अबाउट थिंग्स, यू केयर अबाउट पीपल इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि एंगर, मैं किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि कोई भी अगर इमोशन ऊपर आ रहा है तो उसका एक रीज़न है। वो रीज़न समझो, जो आपकी एंगर सेल्फ है उससे पूछो क्यों गुस्सा हो। ये सामने वाले ने ना, मतलब मैंने उसको ये काम कहा था, उसने ये नहीं किया तो मुझे गुस्सा आया, तो तुम्हें कहो कि चलो ठीक है, उसको भी समझाओ, सामने वाले बंदे को भी, यार आप ये समझो कि गुस्से से सॉल्यूशन तो किसी भी बात का नहीं है। ये आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, मिरर में टॉक करो, लिखो। अगर आपको मिरर में टॉक करना अजीब लगता है या आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट योर वाइब, तो आप लिखो आपको क्यों गुस्सा आया, उसको पढ़ो बाद में एज अ थर्ड पर्सन, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक हम फ्रे में हैं, हम लड़ाई में हैं, हम लड़ाई के मैदान में हैं, हम जब उसका पार्ट है तब हमारे इमोशंस अलग होते हैं। बल्कि जब हम ऊपर से देखेंगे ना लड़ाई, बर्ड्स आई व्यू से, तो हम सबको कहेंगे यार इसकी ये गलती थी, हम अपनी भी गलती बताएंगे उस वक्त, इसकी ये गलती है, उसको ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे करना था। तो वो थर्ड पर्सन की तरह देखो, साक्षी बन के देखो, ठीक है। जो भी मेडिटेशन वर्क करते हैं, मेजॉरिटी आप लगा लो 100% मेडिटेशन वर्क में एक साक्षी भाव रखने को कहा जाता है कि आप डिटैच हो जाओ। तो डिटैचमेंट में आपको, आप साक्षी बन जाते हो, तो वो साक्षी भाव थर्ड पर्सन की तरह देखना चीज़ों को, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट होती हैं, सॉल्व होती हैं। और जो लोग ये काम करेंगे, ये शैडो वर्क करेंगे, उनके लिए असेंशन है, ठीक है। टू मोर कार्ड्स प्लीज। क्या पोर्टल, क्या एक्टिवेट हो रहा है 11/11 पोर्टल पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए? द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। एंड देखो एंजल्स हैं यहाँ पर। वाओ, रिमेंबर दैट Only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. मैंने कहा आपको महसूस होगा कि divine forces, angels, आपके ancestors आपको support कर रहे हैं. They have your back. ठीक है, तो ज़्यादा ना control करने की बहुत कोशिश मत करो. चीज़ें अगर मान लो बिखर भी रही है ना, तो उनको बिखरने दो. किसी plan के तहत बिखरी हैं वो. थोड़ा सा डिवाइन फोर्सेस पे ट्रस्ट करने की आपको जरूरत है. गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मुझे ऐसा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो ग्लोब्स आ गए, ट्रैवल की एनर्जी तो है ही, ट्रैवल जैसी चीज एक्टिवेट हो रही है, लेकिन आपको ना ये कॉन्शियसनेस आ रही है कि आप और मदर अर्थ एक ही हो। ये असेंशन हो रहा है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर। ये असेंशन है कि कोई भी सेपरेट नहीं है। अगर मैं परेशान हूँ या मेरा पड़ोसी परेशान है या मेरा पड़ोसी देश परेशान है या फिर प्लैनेट अर्थ पे कोई भी पर्सन एक है जो परेशान है, तो वो कलेक्टिव की एनर्जी भी परेशान है। तो आपको ये कॉन्शियसनेस आ रही है कि यू आर नॉट सेपरेट, वी आर जस्ट पार्ट ऑफ वन होल। तो वो होल की कनेक्शन, होल से एक कनेक्शन आ रहा है, और ये बहुत गहरी बात है। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को समझेंगे, या तो मेरे कलेक्टिव सच में बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं, या हाई वाइब्रेशन वाले कलेक्टिव्स को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। ये जो वननेस की एनर्जी है असेंशन में, आपको ये रियलाइज़ हो जाना कि सब कुछ एक है। ये आई मीन बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी एक्टिवेशन है ये। एंड आई एम गेटिंग चिल्स एंड गूज़बम्स ऑल ओवर, आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि ये जो वननेस की कॉन्शियसनेस है ना, मैं बहुत बार फील करती हूँ इस कॉन्शियसनेस को, लेकिन इन एंड आउट। ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत लंबे समय तक इस कॉन्शियसनेस में हूँ, बट जब उस कॉन्शियसनेस में मैं टैप इन कर पाती हूँ, मैं फील करती हूँ, वो मतलब उस वक्त ऐसा लगता है कि एवरी थिंग इज़ लव,
किसी पे ना गुस्सा आता, ना चिड़चिड़ाहट होती, लेकिन बहुत लंबे समय तक मैं उस कॉन्शियसनेस में मैं नहीं रह पाती। दिस इज़ समथिंग कि जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, बहुत सारे लोग रह पाते हैं, जो लोग एनलाइटन हो जाते हैं, महावीर जैसे लोग, बुद्धा जैसे लोग, तो भगवान है वो, एक भगवान का दर्जा दिया गया उनको, राइट? तो एनलाइटनमेंट में यही होता है कि आपको वो वननेस की कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मैं ये, एंड इवन ये कार्ड्स, जो भी मटेरियल है या फिर जिसमें जान है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है। तो ये बहुत लोगों के लिए एक्टिवेशन है यहाँ पर, ओके? एंड वाओ, अमेजिंग, बहुत ही लवली एनर्जी है। फाइनली कोई फाइनल मैसेज, गाइडेंस मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर, 1111 पोर्टल के लिए कोई फाइनल गाइडेंस या मैसेज? थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टुडे, थैंक यू एंजल्स। कोई फाइनल मैसेजेस यहाँ पर? कॉम्प्रोमाइज, लेट मी सी अदर मैसेजेस ऑल्सो, रिकवरी, यस, ओके, इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, टेक एक्शन, ओके? तो ये कुछ मैसेज हो सकता है आपके लिए, डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पर, इट्स अप टू यू। वन मोर, दो आ गए, मैं एक ही लेने वाली थी। सक्सेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ओके? तो ये कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हैं, इनको आई थिंक इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है ना, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। आपको ना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। आप अगर किसी भी सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो वो प्रॉब्लम है, और अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो प्रॉब्लम है। चाहे आप कितने हैप्पी हो लाइफ में, तब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर किसी भी सिचुएशन को आप इवन प्रॉब्लम को भी कहोगे, यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मुझे पता चला कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरे को बार बार कैब लेनी पड़ रही है, मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम फील होगी ना, यार मैं फंस गई, यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं जब तक कोई होगा नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं होंगे, मेरे ये भाई नहीं होंगे, तो मेरा कैब वाला नहीं होगा, तो मैं कैसे जाऊँगी कहीं पे? तो ये तो प्रॉब्लम लग रही है, बट इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करूँ, मैं ड्राइविंग सीख लेती हूँ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, आई लर्न ड्राइविंग ना, आई प्रैक्टिस ड्राइविंग, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए शायद ये प्रॉब्लम मेरे सामने इतनी बड़ी होके आई। तो आप अपॉर्चुनिटी को, सॉरी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। तो एवरी प्रॉब्लम, एवरी ब्लॉकेज इज एन अपॉर्चुनिटी, आप ये मान के चलो, ठीक है? तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए, आई होप कुछ ना कुछ हेल्प गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से, और अगर मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।